वेलकम बैक सामईन, आप सुन रहे हैं रास्ता सेफ सिटी एफएम मीडिया 2.6। मैं आपके साथ आपके मेज़बान अलीम गौरी हाजिर खिदमत। शेर लाहौर की ट्रैफिक की ताज़ातरीन सूरत हाल से आगाह रहने के लिए सुनते रहिए रास्ता सेफ सिटी एफएम 88.6। एफएम को इस तरह से बनाने का मकसद भी यही था कि ये जो सामने स्क्रीन्स लगी हैं, आप इसको बासानी देखें कि लाहौर में इस वक्त कहाँ पे ट्रैफिक स्टक है और इजीली आप उसको लोगों तक पहुँचा सकें। जी बिल्कुल, हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं पंजाब पुलिस को, CTPL को, इसके साथ साथ सेफ सिटी को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अलीम, ये मुझे बताएं कि आपको 15 से भी कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है, उसको आप शेयर करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं? अक्सर हादसा उस वक्त होते हैं जब रोड पर ट्रैफिक नहीं होती। वेलकम बैक सामईन, आप सुन रहे हैं रास्ता सेफ सिटी एफएम मीडिया 2.6। मैं आपके साथ आपके मेज़बान अलीम गौरी हाजिर खिदमत। शेर लाहौर की ट्रैफिक की ताज़ातरीन सूरतहाल से आगाह रहने के लिए सुनते रहिए रास्ता सेफ सिटी एफएम 88.6। शेर लाहौर की ट्रैफिक की ताज़ातरीन सूरतहाल से आपको एक बार फिर आगाह करता चलूँ तो बताता चलूँ कि MAO कॉलेज से जाने PMG चौक, PMG चौक से जाने MAO कॉलेज, दोनों तरफ बवजह एहतजाज ट्रैफिक के लिए सेगमेंट बंद किया गया है। मुतबादल रास्तों को इख्तियार करते हुए आप अपने सफर को जारी रख सकते हैं। इसके अलावा ऑल ओवर द लाहौर ट्रैफिक चलिए बिल्कुल नॉर्मल रूटीन के मुताबिक, मूव करना चाहें बआसानी मूव कर सकते हैं। दौरान सफर अगर आपको फिर भी किसी किस्म की रहनुमाई हुदरकार या करना पड़े परेशानी का सामना, तो कर सकते हैं कॉल हमारी हेल्पलाइन 15 पर 15 पर। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे मौजूद पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर जो कि RJ हैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद FM 88.6 पे, उन्होंने लोगों को बताया कि लाहौर के कौन कौन से रास्ते बंद हैं। तो बात करते हैं अलीम। अलीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अलीम, आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, आप ये मुझे बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से आती है और कहाँ से आप देख के लोगों को ये आगाह करते हैं कि इस वक्त लाहौर की जो ट्रैफिक है बंद है और ये वाले रोड्स ओपन हैं, किस तरह से बताते हैं आप? असल में हमारे पास दो रिसोर्सेज हैं, एक तो हमारे पास एशिया की सबसे बड़ी जो स्क्रीन है वो हमारे सामने होती है, जिस पे तमाम तर रोड्स नुमाया होते हैं, जिनको हम देखकर यहाँ से बआसानी बता सकते हैं लोगों को कि कौन सी रोड इस वक्त ट्रैफिक के लिए बंद है और किस रोड पर आप बआसानी मूव कर सकते हैं। इसके अलावा सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के यहाँ पर हमारे पास नुमाइंदे मौजूद होते हैं, जो मैं बजरिया टेलीफोन हमें ये इन्फॉर्मेशन गाहे बगाहे देते रहते हैं कहाँ पर ट्रैफिक की सूरत हाल कैसी है, तो वो हम अपने सुनने वाले सामईन को बताते रहे। और FM को इस तरह से बनाने का मकसद भी यही था कि ये जो सामने स्क्रीन्स लगी हैं, आप इसको बआसानी देखें कि लाहौर में इस वक्त कहाँ पे ट्रैफिक स्टक है और इजीली आप उसको लोगों तक पहुँचा सकें। जी बिल्कुल। और इसके अलावा मुझे बताएं कि यहाँ पे जो शोज आप करते हैं अलीम, वो किस तरह से शोज होते हैं? उसमें सिर्फ लोगों को आगाही दी जाती है या फिर एंटरटेन भी आप लोगों को करते हैं? नहीं फाइक, ऐसा है कि इसमें FM 88.6 चूँकि 24/7 काम करता है, 3 शिफ्टों में हम लोग काम करते हैं, हर शिफ्ट में एक अलहदा से प्रोग्राम की नौयत होती है। राइट। मॉर्निंग में प्रोग्राम करते हैं, मॉर्निंग में प्रोग्राम में बच्चों को मतलब स्टोरी वगैरह सुनाते हैं, इवनिंग में प्रोग्राम होता है उसकी नौयत और होती है, रात में प्रोग्राम करते हैं उसकी नौयत और होती है। राइट। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इंफोटेनमेंट और इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स और साथ साथ गजल प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं। अलीम, इस वक्त आप कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं, बताएं? इस वक्त मॉर्निंग के प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मॉर्निंग में हम बच्चों के लिए खासतौर पर शॉर्ट स्टोरी सेगमेंट के नाम से शॉर्ट स्टोरी सुनाते हैं, जिसमें बच्चों को हम मुख्तलिफ स्टोरी सुनाकर उनको बाद में बताया जाता है कि इस स्टोरी से ये सबक हासिल होता है। ठीक है। जैसे वो हम पढ़ते आए हैं बचपन में कि लालच बुरी बला है, उसको मुख्तलिफ अंदाज से बच्चों को समझाया जाता है। तो ये मुझे बताएं कि आप जो यहाँ पे सॉन्ग्स प्ले करते हैं, वो किस तरह से फरमाइश आती है कि ये वाला सॉन्ग प्ले करें, आप प्ले कर देते हैं या फिर आपकी अपनी मर्जी भी इसमें शामिल होती है? इसमें ये है कि चूंकि मैं एज ए RJ हूँ, रेडियो जॉकी का काम ये है कि उसने रेडियो को प्ले करना है। ठीक है। आपने IT किया, IT करने के बाद आप एज ए पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट हुए और अब आप रेडियो कर रहे हैं, ये कैसे आपको शौक आया कि रेडियो को भी साथ लेके चला जाए? ये पैशन था आपका, ये क्या था? हाँ, असल में मैं छोटे होते ही नात के मुकाबलों में हिस्सा लिया करता था। उसके बाद स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पे आए तो तकारीर करनी शुरू की और स्पीच के साथ साथ मुझे इस चीज़ का बड़ा शौक था और मैं जब कंपेयरिंग कहीं किया करता था तो मुझे लोग अक्सर ये कहा करते थे कि आपका रेडियो स्टाइल है, आप रेडियो क्यों रेडियो नहीं करना चाहिए आपको? तो FM 88.6 जो कि पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का हमारा एक अपना चैनल है, जो कि हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं पंजाब पुलिस को, CTPL को, इसके साथ साथ सेफ सिटी को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, जब यहाँ आए तो फिर यहाँ पर मौका मिला और आज अलहमदिल्ला में। अब हम बात करते हैं, एक तो आपने अभी भी ट्रैफिक की हालात जो इस वक्त बाहर थे शहर लाहौर के वो बताए लोगों को, इसके अलावा आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करते हैं यहाँ से? कोई एहतजाज, कोई धरना या कोई और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पे होती है लाहौर में? असल में हमने लोगों को ये नहीं बताना होता कि यहाँ पर
क्या हो रहा है, ठीक मतलब है। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि रास्ता बंद है, ठीक है, आप ये मुतबादल रास्ते को इख्तियार करते हुए अपने सफर को जारी रख सकते हैं, ठीक है। मगर ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा होती है उनको फिर नहीं। ये तो ट्रैफिक के हवाले से आपने बताई लोगों को, रोड्स के बारे में बताया, इसके अलावा कोई और मैसेज देते हो आप कि किस तरह से आपने लेन लाइन को फॉलो करना है, ट्रैफिक की वायलेशन नहीं करनी, या कुछ और बताते हैं? ट्रैफिक के तमाम तर उसूलों कानून को हम गाहे बगाहे लोगों को बताते रहते हैं कि अवेयर करते रहते हैं। हाँ जी, अवेयर करते रहते हैं कि ये ट्रैफिक के कानून हैं, आप इन पर अमल करें। साथ साथ सोशल इश्यूज जो होते हैं हमारे आजकल जो चल रहे होते हैं, हम उन पर भी गाहे बगाहे बात करते रहते हैं। जैसे COVID-19 की वबा बहुत ज्यादा फैली, उसके मुतालिक हम लोगों को इन्फॉर्मेशन गाहे बगाहे देते रहते हैं कि जनाब ये एहतियाती तदाबीर हैं, इन पर अमल करना है। और आप देखें कि इस पर अमल करने के बाद अब काफी हद तक जो केसेस की तादाद है वो कम हो चुकी है। अच्छा, अलीम ने जिक्र किया सोशल इश्यूज़ का, तो मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा हमारे सोशल मीडिया, जैसे ट्विटर है, इसके अलावा इंस्टाग्राम है, इसके अलावा हमारा फेसबुक है, वहाँ से भी लोगों को आगाही दी जाती है लाहौर की ट्रैफिक के हवाले से। इसके अलावा अगर कोई इशू हो जाता है तो जो हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं वहाँ से भी लोगों को बताया जाता है कि आप ये वाला रास्ता इख्तियार करें। और इसके अलावा पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का एक चैनल भी है, यूट्यूब चैनल, जहाँ पर पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी और पंजाब पुलिस की वर्किंग के हवाले से प्रोग्राम्स किए जाते हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो PSA टाइप कीजिएगा, आपको हमारा यूट्यूब पर चैनल मिल जाएगा। अलीम, ये मुझे बताएं कि आपको 15 से भी कोई पे इंफॉर्मेशन आती है, उसको आप शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं? अगर कोई 15 पे कॉल करता है कि यहां पे इस वक्त ये प्रॉब्लम्स या ये इशू चल रहे हैं, तो आप किस तरह से लोगों को डिलीवर करते हैं इस प्लेटफॉर्म से? 15 की कॉल हमारे ECC सेंटर में आती है, इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर में, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ट्रैफिक पुलिस वालों को। ट्रैफिक पुलिस वाले वाया कॉल हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिलीवर कर देते हैं जो हम आगे अपने सुनने वाले सामेईन को बता देते हैं। तो आप नाइट ड्यूटी भी करते हैं यहाँ पे, रात को प्रोग्राम्स भी होते हैं यहाँ से, तो पूरी रात आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं यहाँ से? आपने कभी ये सोचा नहीं कि इस वक्त हो सकता है कि रोड पर कोई ना जा रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि रोड पर कोई मौजूद है या नहीं है, हमें लोगों को ये आगाह करना है कि इस वक्त रोड पर ट्रैफिक है या इस वक्त रोड पर ट्रैफिक नहीं है, ठीक है। अक्सर हादसात उस वक्त होते हैं जब रोड पर ट्रैफिक नहीं होती। रात को वैसे इसकी रेशियो थोड़ी सी ज्यादा भी होती है, रेशियो ज्यादा होती है, इसी वजह से एक तो अंधेरा होता है और लोग खाली सड़क देखकर ओवर स्पीडिंग करते हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ एग्जाम के फिर हादसा जो है वो हो जाते हैं। तो फिर हम सारी रात लोगों को साथ साथ बताते रहते हैं कि ये ट्रैफिक कानून है, आपने इन पर अमल लाजमी कर। अब हम अलीम से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की लिसनरशिप इनको यहाँ से सुनती है। अलीम, ये मुझे बताएं कि ज्यादातर लोग कहाँ से आपको सुनते हैं, मोबाइल फोन से या फिर गाड़ियों में भी लोग ट्यून इन करते हैं 88.6 को? जी फाइक, चूंकि हमारा रास्ता FM 88.6 है, हमने लोगों को रास्ते के बारे में ज्यादा आगे आगाही देनी होती है, तो जो लोग गाड़ियों में सफर कर रहे होते हैं वो लाजमन FM 88.6 को साथ साथ ट्यून इन किए रखते हैं, क्योंकि जब वो ट्यून इन करते हैं तो उनको शहर लाहौर की ट्रैफिक का पहले ही पता चल जाता है, उन्हें मालूम हो जाता है कि हमने इस रास्ते पर जाना है या नहीं जाना और क्या अल्टरनेटिव लेने हैं, ये भी हम साथ साथ उनको बताते रहते हैं। तो ये ट्रस्ट लेवल होता है कि 88.6 को अगर हम ट्यून इन करेंगे तो हमें लाजमी यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कोई आपको फीडबैक आता है, कोई पॉजिटिव आपको यहाँ से फीडबैक आता हो, हाँ ये जो आप काम कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं, इस वक्त मैं जा रहा था तो मुझे आपने बताया और मैं इजिली पहुँच गया वहाँ पे? जी बिल्कुल, ऐसे ही फाइक, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को जब बता रहे होते हैं ट्रैफिक तो 15 पे लोग कॉल करके बताते हैं, मैसेज के जरिए लोग हमें बताते हैं कि मैं इस रास्ते पर मूव करना चाह रहा था। पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे आते हैं। और चूंकि हम साथ साथ लोगों को ट्रैफिक कानून के बारे में भी बताते रहते हैं तो बहुत सारे लोग जो हादसा से बच जाते हैं वो इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि हमने ये सुना और हमने उस पर अमल किया और हम उस हादसे से महफूज हो गए। इसके अलावा 15 के अलावा आपका कोई अपना नंबर भी है, डायल नंबर यहाँ से करते हैं लोग आपको? जी, हमारा जो SMS का नंबर, कुछ लोग आपसे बात करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इस माइक्रोफोन के उस पार को जो आवाज है वो हम उसको लाइव सुने। जी, तो किस नंबर पे वो कॉल करते हैं आपको? जी, वो हमारे पास नंबर है 04299051613। इस नंबर पर लोग हमें लाइव कॉल करते हैं, लाइव कॉल भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जो भी इंफरटेनमेंट का जब प्रोग्राम हो रहा होता है उसके अंदर हम कोई ना कोई सवाल रखते हैं, कोई ना कोई टॉपिक रखते हैं जिस पर कोई बात हो रही होती है, तो हर बंदा आके अपनी राय जो है वो भी पेश करता है। अलीम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको हम सुनते थे लेकिन आज मैंने लाइव भी आपको सुना और उससे ज्यादा अच्छा लगा मुझे। बहुत और कीप इट अप, और इसी तरह लोगों को आगाह करते रहें। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे अलीम, पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर, जो कि RG के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं FM 88.6 पर। ये आपको हर वक्त आगाह करते हैं शहर लाहौर की ट्रैफिक के हवाले से, इसके अलावा कोई और भी इश्यूज़ हों तो ये यहाँ से आपको बताते रहते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, कोई भी इमरजेंसी है, तो आप 15 पे भी कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के साथ।